कोलकाता के आर्चिकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर के रेप कर हत्या कर दी गई और महिला डॉक्टर के हत्या की घटना से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और साथ ही इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, महिला डॉक्टर आज भी जारी, वही एम्स अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स दूसरे दिन भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगभग 3,000 रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं और सुबह से ही एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू भी सभागार के सामने इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी भी की गई। ओपीडी को अभी बंद नहीं किया गया और साथ ही इमरजेंसी ओपीडी सेवाएं फिलहाल जारी है। टेस्ट तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। हमने कल प्रेस रिलीज में अपनी सारी मांगे बता दी हैं और हमने कल रात को भी फिर से अपनी मांगों के बारे में डिटेल में लेटर भेज दिया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम प्रोटेस्ट से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है पोस्टर बनाया जा रहा है, एक स्लोगन दिया जा रहा है, क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे दुखद स्लोगन ये निर्भय 2.0 है जो कि देते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन शायद अभी हमारे देश की जनता जाग नहीं रही है कि ये उसी तरीके का भयावह क्राइम था जो कि हुआ है वहाँ। और हम सबको ये सिर्फ वो एक सिर्फ महिला नहीं, महिला डॉक्टर नहीं थी, वो एक महिला थी पहले। तो हमारी जनता से अपील है कि हमारा साथ दें, इसमें सड़कों पर उतरें, इस पर आगे चलकर अपनी आवाज़ उठाएं क्योंकि ये महिला के साथ क्राइम हुआ है और ये किसी और महिला के साथ भी ऐसा भयावह क्राइम हो सकता है। जो इंसिडेंट हुआ है उससे हमारी दिमागी हालत और जो हमारा कंडीशन अभी वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए हम लोग। हम इतना अपना बिना कुछ सोचे समझे जाकर के जब कहीं से कॉल आता है पेशेंट को देखने के लिए पहुँच जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि रास्ते में कोई सिक्योरिटी हमें बचाएगी, कहीं पर अंधेरा है तो वहाँ से ना जाएं। इन सब चीज़ों को हमने अपने दिमाग से हटा करके हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं जो कि 48 घंटे 36 घंटे की ड्यूटी होती है। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो इससे हमारे और सारी जो स्पेशली फीमेल कलीग्स हैं उनके मन में डर भर गया है कि अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो फिर कोई क्या करेगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी कुछ डिमांडें जो रखी हैं, पहला तो है कि जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक भयावह घटना हुई है उसका बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। देखिए, प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं।